हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी वुड फार्म में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे क्षेत्र के सबसे फेमस किसान दल सिंह भाई। तो दल सिंह भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत हमारे यहाँ आने पर। और जो हैप्पी वुड फार्म के जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए सबके लिए नमस्कार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को देखते रहें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करते रहे। तो दल सिंह भाई, ये बताइए कि आपका जो गांव है वो कौन सा गांव है? ये हमारा जिला भिंड पड़ता है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से क्या नाम 90 किलोमीटर इधर पड़ता है और इटावा से आएंगे तो 20 किलोमीटर दूर पड़ता है मध्य प्रदेश, जिला भिंड। अच्छा, मतलब दो स्टेट लगती हैं, MP UP बॉर्डर ही है अपना, MP का इधर। अच्छा, तो दल सिंह भाई ये बताइए कि आप कितनी बकरियां हैं अपने पास? हैं टोटल 30-32 जानवर हैं। अच्छा, हाँ जी। और कब से आप ये बकरियां पाल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलना। ये तो चल रहा है अपना करीब 20-25 साल से काम चल रहा है बकरियों का। अच्छा, तो दल सिंह भाई, और इसमें मतलब आपका जो सेल के लिए भी है क्या जानवर? हाँ, सेल के लिए भी हैं, एक आध बच्चे हैं कुछ अभी जो हुए हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं वो सेल के लिए हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे दल सिंह भाई की बकरियां कवर करते हैं आगे चल के। तो चलिए दल सिंह भाई, दिखाइए आप अपनी बकरियां। चलो पहले अपना ब्रीडर दिखाते हैं। तो ये ब्रीडर है आपका? जी। ये कितनी हाइट पे है? ये 6 दांत पर है और 38 हाइट है। अच्छा अच्छा, और 80-85 किलो वजन मरेगा। काफ़ी अच्छा मेल है, फुल हेल्थी और काफ़ी खूबसूरत मेल है। ये बाद अपनी ये कि फीमेल है, गाभिन है, करीब 15 दिन लगी बच्चे देने के लिए किसी मेल से। दूसरी बार बच्चे देगी। दस पंद्रह दिन में बच्चे दे देगी? हाँ, 10-15 दिन है उसके बच्चे देने के लिए। उसके बाद इसी मेल से करा ना? हाँ, इसी मेल से करा था। उसके बाद अपनी बड़ी वाली फीमेल, ये फीमेल भी अपनी है, 1 महीने की लोड हो गई, दूसरी बार बच्चे दे रही है अभी। ये कितनी हाइट पे आपकी है बकरी? ये 37 हाइट पे। अच्छा अच्छा, और कितना वजन होगा इसमें? वजन भी 80 किलो के आसपास होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी फीमेल है और काफ़ी हेल्थी है और इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा है। और ये आप देखिए कहाँ लग रही है, ये देखिए दोस्तों, और काफ़ी अच्छी फीमेल है। ये कितनी बार बच्चे दे चुकी है? दूसरी बार देगी, पहली बार दे चुकी है। ये देगी, ये पंच देगी इसका, ये देखिए। और चलते हैं रंजीत भाई के आगे। सबसे बड़ी बकरी अपनी JP में ये है, 38 वर्ग की है। इसने अभी तीसरी बार बच्चे दिए। ये तीसरी बार बच्चे दिए? हाँ जी, तीसरी बार दिए। कितने दांत कर लिए? ये 6-8 दांत हो गए मेरे ख्याल, दांत देखे नहीं अब। अच्छा अच्छा, और इधर देखिए। हाँ।
दिखाई है इनकी बकरियाँ। ये की है जो यह पंचफेज की, ये कितनी बनती है? ये 10 महीने की, 8-11 महीने की। अच्छा अच्छा, ये अपना जो बेपटिया बकरा था ना, अच्छा उसी खानदान की फीमेल है। हाँ, जो पहले वाला ब्रीडर था सेल आउट हो गया, उसी खानदान में से है ना। तो ये काफ़ी अच्छा मेल था दोस्तों, अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हेगा मेल नहीं है मेल था इसमें अपना था वो। अच्छा अच्छा, एक फीमेल ये है। अच्छा अच्छा, ये देखिए क्वालिटी देखिए, इसका पंख देखिए, काफ़ी अच्छी पाठ है ये। और ये कितने 6 महीने की है? नहीं ये 11 महीने की, 11 महीने की पाठ है। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत। और एक पाठ ये है 6 महीने की। अच्छा, मारवाल सेम है, ये डरती है ज़्यादा, भागती है, थोड़ा चेहरे पर स्पॉट है, गुलाबी में ही है। इसको अपन सेल करेंगे, इस फीमेल को इसको सेल करोगे? हाँ जी। इसकी डिमांड क्या है? डिमांड अपनी हाई फाई नहीं है, बता नॉर्मल ही है, पर्सनल में ही बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, पर्सनल में इनसे आप कांटेक्ट करें, नंबर मैं दूंगा और इसकी डिटेल ले लेंगे। आपको जानवर पसंद आ रहा है उसमें? एक फीमेल अपनी ये है, 38 साइज की है ना बकरी, उसकी बेटी है ये भी, मेरे ख्याल से अभी 12 महीने की है, लोड भी हो गई है, 11 महीने की पार्ट 12 की, एक डेढ़ महीने की गाभन है। एक वो बार अपनी एक पार्ट ये, बहुत भागती हैं, आज पहली बार इनको रस्सी लगाई है गले में, हमेशा बाड़े में लूज रहती हैं तो थोड़ा डर रही हैं। देखो एक फीमेल अपने पास, एक जेपी में है, पंच में, इसको अभी निकालेंगे सेल करेंगे। ये जमुनापारी में है ना? हाँ जमुनापारी में, पंच में है, कान की लेंथ सब कुछ। अच्छा अच्छा, और तो दोस्तों अभी मैंने आपको दल सिंह भाई की सारी बकरियां वन बाय वन कवर करके दिखाई हैं, अब इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो दल सिंह भाई साहब ये बताइए कि आप जो ये बकरियां का डेली रूटीन क्या है, मतलब आप कैसे इनकी सुबह उठ के देख रेख करते हो? सुबह अपन देख रेख करते हैं, थोड़ा सुबह उठते हैं और जगते हैं, उसी टाइम से साफ सफाई का काम करते हैं, फिर जो अपने बच्चे हैं जानवर बकरियों के, उनकी साफ़ सफाई करने के बाद पत्ती रखी है, पत्ती टांगते हैं, फिर उनको गेहूँ बाजरा वो खिलाते हैं। उसके बाद जो बड़ी बकरियां हैं कुछ जंगल जाती हैं, बाकी जो घर पर रहती है उनका वही खाना चलता है दिन भर। बड़ी बकरियां अलग है? हाँ बड़ी बकरियां अपनी अलग हैं, जो जंगल जाती है। दोस्तों आगे कवर करेंगे। उसके बाद अपन दिन भर ये पत्ती गेहूँ बाजरा रखते हैं दो दो बार, और शाम को फिर तीन बार, मतलब अपन नाम खिलाते हैं इनको। अच्छा, जितना खाएं उतना खाते हैं, अपने यहाँ कभी कोई शिकायत नहीं आई कि ज़्यादा खा लिया या कम खा लिया। शुरू से ही बच्चे जब से खाने लगते हैं, एक महीने से, तभी से खाते हैं घर पे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई अपने यहाँ। और मेरा अगला सवाल ये था कि आप अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन कराते हो कि नहीं कराते? हाँ वैक्सीनेशन करवाते हैं अपन। अच्छा, तीन वैक्सीनेशन करवाते हैं, ईटी, एफएमडी, पीपीआर। अच्छा अच्छा, और आप इनकी डीवॉर्मिंग कितने दिन में करते हो? वो 3 महीने में कीड़े की दवाई पिलाते हैं, छोटे बच्चों को भी, बड़ी बकरियों को भी, पेट में कीड़े वगैरह आने लगते हैं। अच्छा, और अपन थोड़ा खिलाते ज़्यादा हैं तो कीड़े की दवाई ज़रूरी रहती है खिलाने के लिए। अच्छा, और वैक्सीनेशन से काफ़ी फ़ायदा रहता है, कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा, और जो भी लोग इसको, जो नए लोग हैं, जो जानकार लोग नहीं हैं, जो शुरू शुरू में काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि जानवर अगर रखें, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, वैक्सीनेशन ज़रूरी, उससे नुकसान बचता है। हमारे मित्र हैं वो थोड़ा बाज़ार में रखते थे जानवर, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, बोले घर पे रहते जानवर तो नहीं आएगा रोग, तो ऐसा रोग आया कि उनके 8-10 जानवर मर गए।
नुकसान होगा, पीपीआर आ गया होगा, पीपीआर आ गया, जरूरी है वैक्सीन लगवाना। हाँ। कैसा भी जानवर हो नुकसान बच जाता है अपना उससे। और मेरा एक सवाल और था, मैंने आसपास किसानों ने बताया है कि दलसिंह भाई के यहाँ बकरियाँ साल में दो बार बच्चे देती हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? आपके यहाँ वास्तव में साल में दो बार बच्चे? सत्यता है बिल्कुल। अभी अपने दानिश भाई हैं रतलाम वाले, ये उनका यूट्यूब चैनल है, वो आना आए थे जब वीडियो बनाने, तब अपने यहाँ बच्चे नहीं थे, एक भी छोटे छोटे बच्चे। अच्छा अच्छा। उनसे मैंने बोला था 15 दिन में बकरियाँ बच्चे देंगी, तो अभी अंदर अपने बाड़े में 15-12-13 बच्चे हैं, बकरियों दिए हैं, और ज़्यादा नहीं, मतलब अपने यहाँ बकरियों का भी खाना खुराक चलती है बराबर रेगुलर, कभी अपन बंद नहीं करते ना, अपन एवरेज लगाते कितना खा रही हैं, क्या अपना काम ही है उनका पेट भरना, और इसी तरह से खिलाते, तो अपने यहाँ बच्चे हुए 2 महीने बाद बकरी हिट पे आ जाती है। अच्छा। परमानेंट अपन ब्रीडर रखते हैं हमेशा। अच्छा। हाँ, अपन को कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रीडर बराबर रखते हैं, तो अपनी बकरियाँ 2 बार मतलब 14 महीने में बकरियाँ 2 बार बच्चे देती हैं। अच्छा। लोगों का तो कहना है इनके यहाँ कभी भी आओ तो बच्चे कभी ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा। पिछला लोट बेच के तैयार हुए, दूसरा फिर तैयार हो गया। अच्छा, अच्छा। वो कम से कम अपने 40-50 बच्चे अपन साल भर में सेल करते रहते हैं। अच्छा। और अपन से नए कस्टमर भी हैं, अच्छी डील हो रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो कहते हैं उसी हिसाब से अपन कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये नहीं कि पहले ही पैसा चाहिए इस तरीके से, अपना कोई नहीं है, जैसे क्वालिटी तैयार हो माल लेने के लिए वैसे अपन माल भेजते हैं। और एक मेरा ये सवाल है, जैसे अपने क्षेत्र में बकरी बहुत महंगी है, जैसे कोई जानवर 2 लाख रुपए का है, कोई जानवर 1 लाख रुपए का है, कोई 50,000 का है, तो जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं जो जमुनापारी बकरियां अपने वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको काफ़ी पसंद आती है, बाकी कीमत के वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मतलब जमुनापारी का कैसे शौक करे, किस प्रकार की जमुनापारी बकरी ले कि वो किसान भी जमुनापारी बकरियां रख सकें, अपने यहाँ पाल सकें? नहीं, हमने भी अपना जो शौक किया था बहुत नॉर्मल बकरियों से किया था, धीरे धीरे ब्रीडर अच्छा डालते रहे तो धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती गई, ऐसा ही हमारा कहना, जो नहीं ज़्यादा महंगी खरीद सकता वो थोड़ा नॉर्मल से काम स्टार्ट करे, फिर भी थोड़ी नस्लदार जेपी में, जेपी हंसा में फीमेलें खरीदे, ब्रीडर खरीदे, ऐसे धीरे धीरे माल अच्छा पर्याप्त होता जाएगा, मतलब ये नहीं खरीद सकता उसके लिए। जैसे ये किसानों के लिए ये पासी वाला है कि जैसे जमुनापारी में वो बकरियां लेता है ब्लैक चमड़ी वाली हल्की क्वालिटी में लेता है, तो वो उस पर गुलाबी बच्चा लगाए तो उससे ब्रीड जनरेट होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी, आता है बच्चे आते ऐसे ही हुए हमारे, हमने आज तक कहीं से नहीं खरीदी कोई बकरी। अच्छा, आपकी होम ब्रीड है? अच्छा। थोड़ा टाइम लगता है, अगर जल्दी जैसे कोई रख सकता है जिसके पास पैसा है लेने की, वो बड़ी बकरी खरीदे गुलाबी की, मतलब लोड की हुई खरीदे, तो तुरंत उसके बाद रिजल्ट आने को ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा वो गुलाबी डायरेक्ट काम कर सकता है, खरीद सकते रख सकते जानवरों को। तो किसान भाइयों, ये पॉसिबल है कि आप अगर नहीं लेना चाहते हो, जैसे 1-2 लाख रुपए की बकरी हल्के किसान नहीं ले सकते, तो उनके यहाँ हर तरह का अपने यहाँ मिनिमम 20-25 हज़ार से मिलना जानवर चालू हो जाता है, तो वो आप 20-25 हज़ार तक की भी बकरियां ले सकते हैं, और अपना जमुनापारी पे आप छोटा मोटा फार्म लगा के अच्छा लाभ ले सकते हैं। इनका बच्चा मतलब कहाँ से सेल होना चालू हो जाता है और कहाँ तक इसका हुआ है सेल? तो देखो जैसा क्वालिटी के हिसाब से, जब जेपी में है 10 हज़ार से स्टार्टिंग, अंसा में जाएंगे तो 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग, जैसे आप खानदान में जाते जाएंगे तो 1 लाख रुपये तक बिकता है। हमने भी ख़रीदा था 1 लाख रुपए का बच्चा 2.5 महीने का, लेकिन हमारे एक फ्रेंड थे उनको पसंद आ गया, 1 महीने रखा तो बोले मेरे को दे, तो फिर मैंने उनको दिया, उनके पास आज की तारीख में स्पॉटलेस बच्चा पंच, बहुत अच्छा नंबर 1 का बच्चा था। उनको देने के बाद फिर अपन ने ये बड़ा ब्रीडर लिया, अब उन्हें ज़रूरत थी अपन को ब्रीडिंग के लिए, तो अपन ने रखा ब्रीडर। अच्छा। तो एक और बात बताइए, जैसे ये बहुत से जैसे सिटी में जैसे रह रहे हैं और घर पे 1-2 बकरी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल है कि नहीं छत पे पालना, घर पे रखना 1-2 बकरी जमना पारी? नहीं, रख रहे हैं, रहती हैं बकरी। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग रख रहे हैं फार्म पे, छत पे, घर पे। अच्छा। अपने जानकारी भी हैं, लेकिन वो देखा ध्यान रखें खिलाने पिलाने का, सब जगह रहते हैं जमना पारी कहीं,
ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं। अच्छा हाँ, तो आप मतलब ये पूरी बकरी जंगल ले जाते हो कि कुछ यहाँ रखते हो? नहीं, अभी जो अपन ने ये जानवर दिखाए हैं वो टोटल घर पे ही रहते हैं 24 घंटे। उसके बाद अभी अंदर बच्चे दिखाएंगे वो भी घर पे रहते हैं। अच्छा, बाकी जंगल जो बकरियाँ जाती हैं वो अलग हैं। अच्छा, लास्ट में दिखाएंगे अभी अपन अभी उनको बाद में दिखाएं, पहले बच्चे दिखाते हैं अपन जो अंदर हैं। तो दोस्तों और किसान भाई आइए, इनके फार्म के बच्चे देखें, और काफी बच्चे आए ही हैं इनके यहाँ पे नई। ये बच्चे हैं, ये अपन करेंगे मेला के टाइम पे सील करें सेल के लिए। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए इनकी ये व्यवस्था है, ये इधर इस प्रकार का इन्होंने टीन लगा के रखा है, और ये छप्पर बनाया हुआ है घास फूस का। अभी जैसे ठंड का सीजन चालू हो रहा है तो आप इनको मतलब ढकोगे बंद करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, इसको पैक कर देंगे पूरा, ये बंद कर देंगे। अच्छा, सर्दी के टाइम में जानवर सारे अंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा, शाम को 8-9 बजे अंदर कर देते हैं। अच्छा, 8 बजे सुबह 5 बजे निकाल देते हैं। अच्छा, अंदर खुले में बैठे रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी जगह वो है। अच्छा, तो ये मतलब ये बरसाती वगैरह डाल देते हैं? हाँ, बरसाती डाल देते हैं, बारिश के टाइम में, सर्दी में तो बारिश होती है। तो सर्दी में क्या लगाओगे, किससे बंद करोगे? अपनी बाजरा की जो होती है ना लकड़ी, उसको कुट्टी बोलते हैं, उसकी टड्डियाँ लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, बाजरे की खराब खराब लगा देते हैं, जिसको निकलने के बाद बाजरा उसका जो बचते हैं खराब, उससे ये पैक कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए और आपकी बकरी से चलना पड़ेगा। ये है अपना तीसरा बाड़ा, बकरियां जो अपने जंगल जाती चरने के लिए। अच्छा, ये वो आपकी बकरियां जो जंगल ले जाती, जंगल जाती चरने के लिए। तो दोस्तों वो जो पहले अपन ने वीडियो में बकरियां कवर करी हैं वो तो घर पर रहती हैं, और ये वाली जो बकरियां हैं जमुनापारी में, ये सारी के सारी जंगल चरने जाती है इनके बाड़े के। अब इसमें उसमें आप खुद देखिए वीडियो में कि घर पर रखना कितना इनका फायदेमंद नज़र आ रहा है, कि बकरियां एक से एक साइनिंग दे रही हैं, और ये थोड़ी सी उससे हल्की बैठ रही हैं, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी सी हल्की बैठ रही हैं, क्योंकि वो घर पर ही खाती हैं ये वाली, और ये जंगल जाती हैं, है ना रक्षी भाई? ये देखते हैं, ये भी लोड लग रही है आपकी बकरी? हाँ, ये बकरी भी लोड है, ये 1 महीना टाइम बचा हुआ है इसका। अच्छा अच्छा, 3 बच्चे देती है बकरी, 3 बच्चे हर बार। हाँ, हर बार 3। हाँ, देखिए भाई दोस्तों, ये बकरी जमुनापारी 3 बच्चे डालती है, और हर साल डाली, कितनी बार दे चुकी है ये? तो इसकी उम्र काफ़ी हो गई, काफ़ी कम से कम 15 बार बच्चे दे चुकी है ये। अब काफ़ी ओल्ड बकरी है ये, पुरानी बकरी लग नहीं रही इतनी पुरानी। तो एक बकरी अपनी ये है, इसके 2 महीने के बच्चे हैं अभी, तो 1 महीने की लोड भी मान गई, ग्रॉस हो गई, हीट पे आ गई, ब्रीडर अपना ढीला हुआ था, तो क्या नाम अपना मान के दूध कम करने लगी है, ऐसे ही अपने यहाँ चलती रहती ब्रीडिंग। अच्छा अच्छा, एक अपनी ये है बच्चे देने के लिए, ये भी 4 महीने की गावन, ये भी 4+ है ना। हाँ,
तो दलसिंह भाई ये बताइए कि अपने यहाँ से बकरियाँ जैसे कोई वीडियो के माध्यम से देख के आपसे खरीदता है तो यहाँ से वो बकरियों का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्टेशन अपन आगरा का स्टेशन है करीब 130 किलोमीटर, वहाँ तक अपनी पर्सनल जो वैन वगैरह गाड़ी करते हैं भाड़े पे उसमें डाल के ले जाते हैं, वहाँ से फिर ट्रेन में अपन डालते हैं और जब पार्टी को माल वहाँ स्टेशन पहुँचता है जब दिखाते हैं और रेल के जब ट्रेन के डब्बे में डालते हैं वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, पार्टी को देते हैं भाई आपकी बकरी है या बकरा है कोई भी बच्चा है लोड हो गया था अपना वो कन्फर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, माल जाता आराम से पहुँचता है, कोई समस्या नहीं आती। आप महीने भर में कितने जानवर सेल कर लेते हैं? महीने भर कभी कभी जानवर एक आध महीना ऐसा होता है मतलब एक दो जानवर तो बिकते ही रहते हैं हमेशा, ऐसा कभी अपना बंद नहीं हुआ, किसी दिन अपने एक दिन में 10 जानवर 8 जानवर बिके हैं अपने, काम अपना चलता रहता है आराम से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, अच्छा माल बिकता रहता है अपन से। अच्छा, मतलब आप अपने ही यहाँ के जानवर सेल करते हो कि कुछ आसपास से भी? अपने आगे जो और पास के जो अपने आसपास के किसान भाई हैं अपने मित्र हैं उनका माल अपन बेचते हैं, भरोसे के लोग हैं, भरोसे का ही अपन काम करते हैं, जो किसान भी थोड़ा दो नंबर के हो गए पलटी मार जाते जुबान करके किसी ने महंगा लिया तो उसको देने लगते, उन लोगों के पास अपन नहीं जाते। अच्छा, जो अपने भरोसे के हैं टच के हैं उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं का माल अपन उठाते हैं। मतलब साफ सुथरा काम अपना, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए अपन को ऑनलाइन बेचते हुए, आज तक अपना कोई कहीं कोई कैसी भी कंप्लेंट नहीं, ना अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कुछ छोटी सी बात, छोटा ईमानदारी का धंधा है, ईमानदारी से बेचते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं। सही बात, कभी आपने कभी भी किसी ग्रुप में अपने साथ कहीं कोई लफड़ा नहीं मिलेगा अपना, साफ सुथरा काम। तो दलसिंह भाई साहब, तो दोस्तों ये हमारे दलसिंह भाई थे फूब गांव के जो भिंडा जिले में आता है ये, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो दलसिंह भाई का तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मिलते हैं हमारे आने वाले नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।